हेलो, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। नरसिंह गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे मैं सिद्धार्थ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने RUHS BSC नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 का एग्जाम दिया था और आपके भी मार्क्स बहुत कम आए हैं, लो हैं, ठीक है, तो फिर इस वीडियो में टोटली हम डिस्कस करने वाले हैं कितने मार्क्स पर आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा, ठीक है, उसकी क्या पूरी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, उस टॉपिक पे बात करेंगे। भाई आपके नंबर कितने होने पर बेस्ट कॉलेज मिलेगा और बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, और बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि RUHS BSC नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं सारी की सारी आपको नर्सिंग गुरुकुल की इसी अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक होगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर सारी सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है, टाइम टू टाइम। देखो हम यहाँ पर बात करने वाले सबसे पहले उन बच्चों के बारे में जिनके 60+ मार्क्स हैं। क्या है? 60+ मार्क्स हैं। वो देखो एक चीज मान के चलो अपने मन में कि अगर आपके 60+ मार्क्स हैं तो आप एक सेफ जोन में हो। कहाँ हो? सेफ जोन में हो, और आपको एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। कहाँ पे? गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन वहीं पर अगर आपके 50 से लो मार्क्स हैं, 50 से लो मार्क्स हैं, ठीक है, अब वट एवर 53 हो, सॉरी यहाँ 55 कर देते हैं, ठीक है, 55 लो मार्क्स, तो आप थोड़ा सा क्रिटिकल जोन में हो। क्रिटिकल जोन यानी कि एक ऐसे जोन में जहां पर बहुत कम चांसेस हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के, तो आपको इधर ना प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज में आपके नंबर देखो 55 नंबर प्राइवेट के लिए काफी अच्छा है। क्या है? काफी अच्छा है। तो इतने पे ना आपको एक बढ़िया प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बढ़िया प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अब हम बात कर लेंगे भाई कितने नंबर पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं इन सभी चीज़ों पे, जैसे कि अगर 60 हैं तो आपको कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस हैं और कौन से नहीं मिलने के चांसेस हैं। वैसे वीडियो में अगर हम बात करें, वीडियो में बात करने वाले थे बेस्ट कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम बेस्ट कॉलेज जो भी हैं RUHS के, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उन बच्चों के बारे में जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे टॉप 10 कॉलेजेस। क्या? ऐसे टॉप 10 कॉलेजेस, टॉप 10 जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स पर ही मिलेंगे। उसके बाद भी हम बता देंगे जो मीडियम कॉलेज हैं, मीडियम टॉप हैं, उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देंगे, और जो लो कट ऑफ वाले कॉलेज हैं उनके बारे में भी जानकारी देंगे, ठीक है। कौन से? सबसे पहले हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट, उसके बाद हम बात करेंगे प्राइवेट की। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना, और जो लिस्ट है ना, लिस्ट, उस लिस्ट को मैं व्हाट्सएप पे अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर लेना। आपको जितनी भी यहाँ पे लिंक PDF में यूज कर रहा हूँ सारी की सारी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। देखो अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, सबसे टॉप पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसे हम RUHS नहीं, इसे हम SMS नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? SMS नाम से जानते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। ये आपको मिलेगा अगर आपके 88+ मार्क्स हैं, तभी मिलने के चांसेस है, इससे कम पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और वहीं पे सेकेंड नंबर पे RUHS है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज, जो कि अच्छा कॉलेज है, 85 के ऊपर आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ नर्सिंग कॉलेज जोधपुर है, उसके बाद अजमेर का नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट का, उदयपुर का गवर्नमेंट कॉलेज, कोटा का, अलवर का, बीकानेर का, चूरू का, सिकार का। देखो यहाँ पे हमने बात किया दो कॉलेज ऐसे, कॉलेज यूनिवर्सिटी 88 के ऊपर मिलेगा आपको SMS मिलेगा, और 85 से प्लस अगर आपके हैं तो RUHS में मिलने के चांसेस है। लेकिन अगर इन कॉलेज की बात करें तो 7 बचे हुए कॉलेज हैं, 7 में से 10 में से 7 बचे हुए कॉलेज, तो ये आपको मिल जाएगा अगर आपके 83+ के ऊपर मार्क्स हैं। देखो हाई कट ऑफ जाएगी इस बार, क्योंकि ये टॉप कॉलेजेस हैं राजस्थान के। लेकिन वहीं पर बात करें ऐसे बच्चे जो एकदम टॉप पे नहीं जाना चाहते हैं, कहाँ पर एकदम टॉप पे नहीं जाना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? देखो आपको हमारे इसी चैनल पे, एक लिस्ट मिल जाएगी दूसरे वीडियोस के फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जिसमें मैंने ना टॉप मीडियम कॉलेजेस की बात की है। क्या? टॉप मीडियम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात की, मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज की बात की, आप उसे जाकर के देख सकते हो, स्पेलिंग देख लेना गलत है, देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब हम उन बच्चों, क्योंकि देखो एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, जैसे कि अदर प्लेटफॉर्म वाले करते हैं, फिर बच्चे इरिटेट होते हैं। जानकारी अब आपको चाहिए गवर्नमेंट की, हम आपको सारी की सारी दे दें, वीडियो भी लंबा होगा, बच्चे भी इरिटेट होते हैं, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की। अगर आपके 55 से नंबर थोड़े से कम है, कम है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन प्राइवेट में भी कौन सा बेहतरीन और अच्छे से अच्छा कॉलेज है, हम आज सिर्फ गौर
गोरखपुर बोल रहा हूँ क्योंकि गोरखपुर में हमारा ऑफिस है, इस वजह से मैं गोरखपुर बोल रहा हूँ। ठीक, हम यहाँ बात करेंगे ऐसे कॉलेजेस के जो सिर्फ जोधपुर में हैं, सॉरी फिर से गलत, जयपुर में गए हैं। कहाँ पर हैं? जयपुर में। अब मैं सही बोल रहा हूँ, यहाँ पर है पहला कॉलेज एमबीसी स्कूल ऑफ नर्सिंग आमनगर में है जो कि, ठीक है, इसमें 40 टोटल सीटें हैं। कहाँ पर है? कितनी सीटें हैं? टोटल 40 सीटें हैं। अपेक्स स्कूल ऑफ नर्सिंग यूनिवर्सिटी, अपेक्स यूनिवर्सिटी, इसमें 60 सीटें हैं। बिम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंसेज, जिसमें 40 सीटें अवेलेबल हैं। देवी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज, जो कि 40 सीटें रखता है। ठीक, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट कौन सा कॉलेज है, महाराणा प्रताप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, इसमें 40 सीटें अवेलेबल हैं। महात्मा गांधी नर्सिंग स्कूल, इसमें 75 सीट अवेलेबल है। पिंक सिटी ऑफ नर्सिंग कॉलेज जो कि जयपुर में है, 50 सीट अवेलेबल है। आर कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि कहाँ पर है? सीतापुरा पुलिया टोंक रोड जयपुर, जयपुर डिस्ट्रिक्ट जयपुर में है। जैसे जयपुर में सारे के सारे हैं ये सारे कॉलेज, यहाँ पे पिन कोड फुल एड्रेस के साथ मैंने लिख रखा है, आप फिर देख सकते हो। ठीक है, और काउंसलिंग के टाइम पे ध्यान देना है ऐसे कॉलेजेस को जो अच्छे नंबर पर मिलेंगे। रघुकुल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें भी 40 सीटें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, रुंगता नर्सिंग कॉलेज विलेज घाटा पोस्ट विंदा तहसील बासी आगरा रोड जयपुर, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें 60 सीटें अवेलेबल है। नेक्स्ट एसएन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस है, जिसमें जो कि निर्वाण यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ एफिलेटेड है, जिसमें 60 सीटें अवेलेबल हैं। सेंट फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसमें भी 40 सीटें हैं। साकेत नर्सिंग कॉलेज, जिसमें 50 सीटें हैं। संस्कार कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसमें 40 सीटें हैं। एंड नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल सीडलिंग स्कूल ऑफ नर्सिंग, जिसमें 100 सीटें हैं। इसमें ज़्यादा चांसेस आपको एडमिशन मिलेंगे। टी राधा रमन नर्सिंग कॉलेज IPS 2 सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया Phase 3 अपोजिट फायर ब्रिगेड ऑफिस सीतापुर डिस्ट्रिक्ट जयपुर, जिसमें 30 सीटें हैं। तो मैंने आपको डिस्कस किया, क्या आपको डिस्कस किया कि जयपुर के जो टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। जयपुर के टॉप प्राइवेट कॉलेज के बारे में हमने डिस्कस किया और टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के डिस्कस किए जो कि ऑल ओवर द राजस्थान से। उम्मीद है आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे, भाई आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज है, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देख लो एक बार। मैंने जैसे कि बताया, एक बार मैं मार्किंग स्कीम फिर से बता देता हूँ, कितने मार्क्स पर किन स्टूडेंट्स को क्या भरना चाहिए। देखो, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, क्या गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, तो गवर्नमेंट कॉलेज में ना अगर आपके 84+ मार्क्स है, ध्यान देना 84+ मार्क्स है, तो फिर आप जो टॉप 10 वाली लिस्ट मैंने आज बताई है, टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज, उनमें काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग करना राउंड 1 में, ठीक है। लेकिन अगर आपके 84 से कम है, 70 से लेकर के 84 के बीच में है, तो आप टॉप मीडियम कॉलेज भरना है। कौन से भरना है? टॉप मीडियम कॉलेज भरना, ठीक है, नहीं तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। और आपका क्या 60 से लेकर के 70 के बीच में है, तो आप लो मीडियम वाले कॉलेज को फिल करना है। वहीं पर अगर आप प्राइवेट कॉलेज चाहते हो, प्राइवेट कॉलेज, तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आपके 55 50 से लेकर के, मान के चलो 50 से लेकर के 55 45 मार्क्स भी हैं, तो आप ये टॉप प्राइवेट जो बताया है मैंने ना, उन कॉलेज को फिल करना, एक अच्छा कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। मुझे लगता है मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। इनकेस कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर देना, नर्सिंग ग्रुप खोल के, आपको मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।